नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इस वक्त निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे हैं और इस यात्रा में वो निषादों को उनका हक दिलाने की बात जोरों शोरों से करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि निषादों को अब मुफ्त में अनाज नहीं चाहिए, निषादों को अब उनका हक चाहिए, निषादों को अब अपना आरक्षण चाहिए ताकि उनके बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित कर सके और वो भी मुख्य धारा का हिस्सा बन सके। मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण यात्रा को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचे। मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को नौकरी के सवाल पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज 9 साल के बाद भी 9 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने मंदिर मस्जिद मुद्दे पर भी भाजपा को आड़ों हाथों लेते हुए कहा कि मंदिर बनाना समाज का काम है, सरकार का काम अस्पताल स्कूल बनाना है। उन्होंने कहा कि निषाद के बच्चे आज सही इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी ने अब आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी सभी बच्चों को पढ़ाने और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए हाथों में गंगा जल देकर पूर्वजों और अपने कुल देवता को साक्षी मानकर संकल्प कराया। उन्होंने कहा कि अब निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण की बात करेगा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि निषादों को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अब हमें अपने बच्चों की नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए। उन्होंने जोर देकर कटाक्ष करते हुए कहा कि 5 किलो अनाज देकर ये हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने अपने नालंदा यात्रा के दौरान सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केवल बड़े बड़े वादे किए कि वो गरीबों को नौकरियां दिलवाएंगी, लेकिन 9 साल की सरकार के बाद भी अब तक ये संभव नहीं हो पाया है। बल्कि केंद्र सरकार केवल धर्म की राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिए कि वो उन्हीं के साथ ये चुनाव लड़ सकते हैं जो निषादों को आरक्षण दिलाने में उनकी सहायता करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।